तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड गार्ड में। तो मैं फिर से आज रोजो का एक नए वीडियो के साथ। सो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाले हूँ अनटचेबल कोरियन ड्रामा के बारे में, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी ड्रामे के बारे में बात करेंगे, ड्रामा कैसा है, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए और किस तरह का होने वाला है। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो अगर बात की चीज ड्रामे के बेसिक्स के बारे में, तो ड्रामे को 7.4 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और इसमें टोटल 16 एपिसोड आपको देखने को मिलते हैं और 1 घंटे की 1 एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है, जिनमें से 4 एपिसोड अभी हिंदी में डब करके डिज्नी प्लस पे प्रोवाइड की गई है। बाकी के जो एपिसोड है आपको बिगली ट्रंप पे देखने को मिल जाए। सो अब अगर बात करें ड्रामे में स्टोरी की, तो इसमें आपको स्टोरी देखने को मिलता है एक लड़के की और उस लड़के का नाम होता है जून सियो। अब जून सियो का जो लाइफ है, मतलब पूरा रुका सुखा कट रहा था, लेकिन उसके लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मिंजू। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ ही साथ शादी भी कर लेते हैं। अब शादी के बाद एक दिन, मतलब होता ये है कि जो मिंजू होती है अचानक से उसके लाइफ से चली जाती है, उसे छोड़ करके चली जाती है। जब जुनसियो उसके बारे में पता लगाता है तो पता उसे चलता है ये कि वो मर चुकी है। और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, उसके लाइफ में एक और लड़की आती है जो कि अपने आप को मिंजू बताती है, यानी कि वो बताती कि वो एक फेक मिंजू थी, असली मिंजू वो है। अब जुनसियो को कुछ भी समझ में नहीं आता ये क्या सारी चीजें हो रही है। जो उसकी वाइफ थी, मतलब जो जिसने उससे शादी करी थी, वो मतलब उसका इस्तेमाल कर रही थी, जो भी आइडेंटिटी वगैरह बताई थी सारी फेक थी। अब ऐसा वो क्यों कर रही थी, किस लिए कर रही थी, ये तो आपको ये ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। और इन सभी के पीछे, मतलब जो जून सियो, उसका भाई और उसके पिता के कहीं ना कहीं करीब जुड़ी हुई है। अब आगे क्या सारी चीजें होने वाली है, क्या जून सियो सारी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता है, यही सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। सो अगर बात की जाए अब इस ड्रामे की डबिंग की, तो ड्रामे की डबिंग बहुत ही अच्छी की गई है और साथ ही साथ जो इसमें करेक्टर डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट लेवल के, साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी वो भी बहुत ही जबरदस्त है। ड्रामे के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलता है, एक्शन देखने को मिलता है, थ्रिल देखने को मिलता है और साथ ही साथ जबरदस्त पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलता है। सो अगर आपको इस तरह के ड्रामे देखना पसंद है तो आपको ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ड्रामे के अंदर थोड़ा सा स्टोरी प्रेजेंटेशन स्लो है, बाकी बात सारी चीजें बहुत ही बेहतर है, जो कि आपको कनेक्ट करके रखती है। लेकिन आगे के एपिसोड किस तरह के होने वाली है अभी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी 4 एपिसोड देखे हैं। तो अगर आप एक अच्छा ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें एक्शन हो, थ्रिल हो, मिस्ट्री हो और इमोशन हो, तो ये ड्रामा आपको बिल्कुल देखना चाहिए, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल में पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं मिलता हूं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। ठीक है, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।